नमस्कार, स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रुति तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले और झारखंड में गुरुजी के नाम से मशहूर और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बारे में। साथ ही बता दें कि वो साल 2005 में 2 से 12 मार्च तक सिर्फ 10 दिनों के लिए CM बने। हालांकि बाद के दिनों में उन्हें 2 और बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। साथ ही बताया जाता है कि शिबू सोरेन लकड़ी बेचकर घर चलाने वाले एक आदिवासी नेता हैं। तो चलिए बताते हैं आपको, लकड़ी बेचकर परिवार चलाने वाले ये व्यक्ति किस तरह 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो डालिए नजर हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को एक नई पहचान मिली। इसके साथ यहां की राजनीति में भी काफी ज्यादा उथल पुथल मची रही। कभी किसी पार्टी ने सरकार बनाई तो कभी राष्ट्रपति शासन लागू रहा। बता दें कि 15 नवंबर साल 2000 में झारखंड अस्तित्व में आया था, जिस समय मुख्यमंत्री का पद बाबूलाल मरांडी ने संभाला, जो भाजपा दल से थे। इनका कार्यकाल लगभग 3 साल 18 मार्च 2003 तक का था। तो वहीं राजनीति में उथल पुथल के बीच झारखंड को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो यहाँ का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। बात कर रहे हैं झारखंड में गुरुजी के नाम से मशहूर और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की। 11 जनवरी को शिबू सोरेन का जन्म हुआ। अब तक 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सोरेन का जन्म वर्तमान झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। उस वक्त ये बिहार के अंदर आता था। उन्होंने यहाँ अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान उनके पिता की हत्या हो गई। इसके बाद अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने लकड़ी बेचना शुरू किया। उनकी शादी रूपी किस्कू से हुई। इनके कुल 4 बेटे बेटी थे, जिसमें सबसे बड़े दुर्गा सोरेन थे। इसके अलावा हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन भी इनके बेटे थे। उनकी एक बेटी अंजलि सोरेन भी है। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। तो वहीं साल 2005 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। बताया जाता है कि पिता के निधन के बाद लकड़ी बेचकर घर चलाने वाले शिबू सोरेन एक आदिवासी नेता है। झारखंड में मुक्ति मोर्चा झामुमो के अध्यक्ष रहे शिबू सोरेन ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। बता दें कि साल 1970 में सोरेन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने कई कैंपेन चलाए, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने साल 1975 में बाहरी लोगों को बाहर निकालने के लिए भी एक मुहिम चलाई। इस दौरान 11 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि शिबू सोरेन ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर समाज में व्याप्त कुरीतियों से मुक्त होने का संदेश भी देते थे। इसके बाद शिबू सोरेन लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 3 साल बाद 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को जीत हासिल हुई। इसके बाद वे लगातार साल 1989, 1991, 1996 और 2002 में चुनाव जीते। इसके बाद सबसे कम समय के लिए साल 2005 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। इनके कार्यकाल महज 10 दिनों का रहा, 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक। ये झामुमो दल से मुख्यमंत्री पद पर रहे। हालांकि इसके बाद भी सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसके बाद 28 अगस्त से 2008 से लेकर 18 जनवरी 2009 तक झामुमो दल से मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद साल 2009 में 30 दिसंबर को एक बार फिर शिबू सोरेन सत्ता में आए। 31 मई 2010 तक झामुमो दल से मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इस तरह शिबू सोरेन का सियासी सफर में काफी उतार चढ़ाव आता रहा। साथ ही बताते चलें कि साल 2009 के जनवरी में सोरेन तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में राजा पीटर से पराजित हो गए और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद साल 2009 में ही लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का उपचुनाव हुआ और दोनों में सोरेन विजयी रहे। बाद में सोरेन ने जामताड़ा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा की सदस्यता बरकरार रखी। सोरेन अब तक 3 बार राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं और तीनों ही बार वो लोकसभा के सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस तरह कहा जाए तो शिबू सोरेन की जिंदगी संघर्षपूर्ण रही है।
इसके बावजूद भी वो तीन बार मुख्यमंत्री के पद पर रही। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।